हे गाइज, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डील्स ईयर में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप ऑर्डर कैसे करें, यानी कि आप बहुत सारा प्रोडक्ट एक बार में आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है तो इस वीडियो में पूरी अंत तक बना रहिए। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डील्स ईयर ऐप में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करें। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है कि डील्स ईयर ऐप को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइज कि डील्स ईयर ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट को एक साथ में आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज कुछ इस तरीके से डील्स ईयर ऐप ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक बार में ऑर्डर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए तो ये हेडफोन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एड टू बैग का ऑप्शन आ रहा है। तो एड टू बैग वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। और कैंसिल कर देने के बाद फिर से आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद फिर से आपको एड टू बैग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहां से आपको कैंसिल कर देते रहना है। और जो भी प्रोडक्ट मान ली कि आप ऑर्डर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को यहां से आपको एड टू बैग में सेव कर लेना है। साइज सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहां पर आपको जो भी साइज है वो साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां पर एड टू बैग वाला ऑप्शन आ रहा है, तो एड टू बैग वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करते रहना है। और जितने प्रोडक्ट आप मान लीजिए कि ऑर्डर करना चाहते हैं एक साथ में, उस प्रोडक्ट को एड टू बैग में आपको करते रहना है। यानी कि नहीं कीजिएगा तो आपको एक साथ में ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो चले गए यहाँ पर, इतना प्रोडक्ट तो हम ऑर्डर कर दें। और चलिए एक किशमिश है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से फिर से ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर बाय न्यू की ऑप्शन आ रहा है। सो गाइस इतना प्रोडक्ट तो हम सेव कर दिए और इससे अधिक प्रोडक्ट हमको नहीं मंगवाना है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, बाय न्यू की ऑप्शन आ रहा है, तो बाय न्यू की ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट हम सेव किए हैं वो प्रोडक्ट सारे के सारे यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट हम सेव किए हैं वो प्रोडक्ट सब यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, और गूगल पे, फ़ोनपे, UPI ID से जो भी से करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। तो चलिए यहाँ ऑर्डर नाउ पर क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर कूपन कह रहा है कि आप घसीएगा इस कूपन को तो आपको 15 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 15 रुपये मिल चुका। और कह रहा है यहाँ नहीं कि ऑर्डर कंफर्म हो चुका, और यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग दे रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर किए हैं उस प्रोडक्ट को हम कैसे चेक करेंगे। तो सारे के सारे यहाँ पर आसानी से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर माई ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो माई ऑर्डर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट हम 3-4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जितने प्रोडक्ट आप ऑर्डर किए होंगे वो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में हेडफोन हम सेव किए हैं, और दूसरा का यहाँ पर जो है जो वॉच है यानी कि घड़ी, और यहाँ 3 नंबर पर जूता है, और 4 नंबर पर जो किशमिश हो रहा है। तो इस तरीके से गाइज आप लोग एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।